हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट एग्जाम स्टडी IQ पर। आज है 29 सितंबर 2021 और हम आज के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया है? 28 सितंबर 2021 को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया है और यह दिवस लोगों के मध्य रेबीज बीमारी द्वारा होने वाले प्रभाव और उनसे बचाव के उपयोगों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीमा बेन आचार्य किस राज्य की पहली महिला विधानसभा स्पीकर बनी है? गुजरात राज्य की पहली महिला विधानसभा स्पीकर नीमा बेन आचार्य को नियुक्त किया गया है। बात करें गुजरात राज्य के बारे में, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रम नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा देखो मेरी दिल्ली नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा देखो मेरी दिल्ली नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और इस ऐप में लोगों को दिल्ली के ऐतिहासिक व प्रसिद्ध स्थानों के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि ऐसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की मदद करेगा जिनके पास ऐतिहासिक व प्रसिद्ध स्थानों से संबंधित जानकारियों की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे AIMA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सीके रंगनाथन को AIMA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात करें AIMA के बारे में तो इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, हिंदी में अखिल भारतीय प्रबंधन संघ, और इसकी स्थापना 1957 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष बने हैं सीके रंगनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित द बैटल ऑफ रेजांगला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पूर्व नौसेना अधिकारी कुलप्रीत यादव द बैटल ऑफ रेजांगला नामक पुस्तक के लेखक हैं, जिसमें 1962 के भारत चीन के युद्ध के बारे में बताया गया है कि किस तरह मात्र 120 जाबाज भारतीय सैनिकों द्वारा चीन के 5,000 सैनिकों के खिलाफ युद्ध में डटकर मुकाबला किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया गया है? DRDO द्वारा ओडिशा के चांदीपुर से आकाश मिसाइल के नए संस्करण आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया गया है और यह जो आकाश प्राइम मिसाइल है यह एक जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। बात करें DRDO के बारे में, DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और DRDO के प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की जुडिमा राइस वाइन को GI टैग प्रदान किया गया है? असम राज्य की जुडिमा राइस वाइन को GI टैग प्रदान किया गया है और यह वाइन एकमात्र पूर्वोत्तर राज्यों की ऐसी पेय पदार्थ है जिसे GI टैग प्रदान किया गया है। बात करें असम राज्य के बारे में, असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा सरमा, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और असम हाई कोर्ट को गुवाहाटी हाई कोर्ट कहा जाता है, जो कि असम मिजोरम नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश इन चार राज्यों का संयुक्त हाई कोर्ट है जिसके मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वैश्विक शिक्षा पुरस्कार यदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? यह
भारत के प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के सीईओ रुक्मणी बनर्जी को वैश्विक शिक्षा पुरस्कार यदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, जो कि इन्हें स्कूलों में लर्निंग के परिणामों में सुधार व शिक्षा विकास में सहयोग करने हेतु प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा समर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा समर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया है, और यह पोर्टल उन लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा जो अपनी स्वेच्छा से शिक्षा, खेल, कृषि इत्यादि के क्षेत्रों में सेवा प्रदान करना चाहते हैं। बात करें हरियाणा राज्य के बारे में, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, जो कि पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, और हरियाणा हाई कोर्ट को चंडीगढ़ हाई कोर्ट कहा जाता है, जो कि पंजाब और हरियाणा का संयुक्त हाई कोर्ट है, जिसके मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला युगल द्वारा ओस्ट्रावा ओपन महिला युगल का खिताब जीता गया है? तो यह भारत की टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा व चीन की टेनिस प्लेयर सुआई झांग की जोड़ी द्वारा ओस्ट्रावा ओपन महिला युगल का खिताब जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर बुनकर सेवा एवं डिजाइन संसाधन केंद्र बनाए जाने की घोषणा की गई है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा बुनकर सेवा एवं डिजाइन संसाधन केंद्र बनाए जाने की घोषणा की गई है, और इस केंद्र को बनाने का उद्देश्य राज्य के हस्तशिल्प उत्पादों को प्रोत्साहित करना व उनके निर्यात हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। बात करें हिमाचल प्रदेश के बारे में, हिमाचल प्रदेश की पहली राजधानी है शिमला, दूसरी राजधानी है धर्मशाला, और मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर, और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं रवि मलिमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई द्वारा किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? आरबीएल बैंक पर आरबीआई द्वारा 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, और यह जुर्माना आरबीआई बैंक द्वारा बनाए गए नियमों पर पूर्ण रूप से कार्य न करने पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बात करें आरबीएल बैंक के बारे में, आरबीएल की स्थापना 1943 में की गई थी, और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, और आरबीएल बैंक के प्रेजेंट टाइम के एमडी एंड सीईओ हैं विश्ववीर आहूजा। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। जय हिंद।